हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, और फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि टिकटॉक पूरी तरह से बैन हो चुका है। पहले क्या हुआ था कि टिकटॉक जो बैन हुआ था, तो अगर आप लोग कोई ऐप डाउनलोड करते थे टिकटॉक का APK फाइल, तो वो चलता था। लेकिन इस बार पूरी तरह से बैन, मतलब कि अभी APK भी नहीं चल रहा है। तो अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए हम लोगों को टिकटॉक का अल्टरनेटिव, मतलब उसके बदले कोई ऐप। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 10 ऐसे ऐप जो कि टिकटॉक के अल्टरनेटिव के हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, चले करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, ये सब ऐप जो है ये मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड किया और यूज़ किया है, और इसका इंटरफेस, इसका फीचर एंड स्मूथनेस, इन सब के विचार में मैंने इसको 10 से 1 तक रैंक किया है। तो नंबर 10 पे है मेट्रो TV। तो ये वाला जो ऐप है ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है टिकटॉक बैन होने के बाद। तो यहाँ पे आप लोगों को सेम तरीके का इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे आप लोग वीडियो को स्वाइप अप करके वीडियो देख सकते हो, एंड पहले तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यू कैन यूज़ इट एज अ टिकटॉक अल्टरनेटिव, मतलब वीडियो वगैरह बना सकते हो। यहाँ पर लाइक कमेंट शेयर का ऑप्शन मिलता है, एंड एक चीज़ यहाँ पे जो नहीं है वो है सर्च का ऑप्शन, मतलब कि आपको यहाँ पे सर्च करके किसी को ढूंढने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यही एक प्रॉब्लम है, बाकी सब टिकटॉक की तरह ही है और क्या। तो नेक्स्ट वाला जो ऐप है वो सेम इसी तरह का है, जिसका नाम है मौज। ये इसका आपने ऐड देखा होगा, तो ये सेम तरीके का ऐप है, और यहाँ पे भी आपको सर्च का ऑप्शन नहीं मिलता है। और बाकी सब जो है वो टिकटॉक की तरह ही है। तो इस ऐप को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस पे सर्च का ऑप्शन जो मैंने बोला वो नहीं मिलता है। तो काफ़ी नॉर्मल वाला ऐप है, तो आप लोग इसको यूज़ करके देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। तो 8वें नंबर पे जो ऐप है उसका नाम है चिंगारी। तो ये वाला जो ऐप है ये भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है टिकटॉक बैन होने के बाद भी, एंड ये इंडियन ऐप है ऐसा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको खोलते ही मिलता है वीडियोज़ का ऑप्शन, जहाँ से आप लोग वीडियोज़ देख सकते हो, एंड उसके बाजू में मिलता है न्यूज़ का ऑप्शन, जहाँ से आप लोग न्यूज़ पढ़ सकते हो। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज ये सब सॉर्ट आउट किया गया है। उसके अलावा अगर हम लोग वीडियोज़ के ऑप्शन में फिर आए, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा एक एरो का ऑप्शन, और यहाँ पर जाके आप लोग होम, सर्च, नोटिफिकेशन, प्रोफाइल सेटिंग, स्विच, लैंग्वेज एंड गेम जोन, ये सब देख सकते हो। और गेम जोन में आपको मिलता है कुछ गेम्स जो कि आप लोग खेल सकते हो। एंड हाँ, यहाँ पे आपको कैमरे का जो ऑप्शन, मतलब रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाके आप लोग वीडियो बना सकते हो। लेकिन पता नहीं यहाँ पे बैटरी सेवर ऑन है इसलिए नहीं ऑन हो रहा, लेकिन मेरे पास तो 36% चार्ज है। जो भी हो, ये प्रॉब्लम एक है। और यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन है वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, अभी ग्लिच चल रहा है क्योंकि बहुत लोग ऐप को यूज़ कर रहे हैं। तो ये पहले होगा, तो ठीक है, देखते हैं कि ये कितना इम्प्रूव करता है। एंड हाँ, इसको आप लोग टिकटॉक के अल्टरनेटिव के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। तो लिस्ट में नेक्स्ट नंबर पे है शेयर चैट। तो ये एक सोशल मीडिया की तरह है, जहाँ पे आप लोग वीडियोस एंड साउंड एंड स्टेटस वगैरह शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग अपना वीडियो शेयर कर सकते हो, और इसका जो खुद का ऐप है मौज, जो कि मैंने पहले बताया, वहाँ पे आप लोग वीडियोस बना सकते हो। तो ये ऐप भी आप लोग यूज़ करके देख सकते हो। मैंने एक फ़ैन पेज बनाया था वहाँ पे, तो वहाँ पे व्यू तो मिल रहा था, लेकिन आई डोंट नो कि वो बॉट वाला व्यू था या ओरिजिनल वाला। तो आप भी यूज़ करो और देखो कि कैसा होता है। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। तो लिस्ट पे 6 नंबर पे है रोपोसो। तो ये एक इंडियन ऐप है, तो ये यहाँ पे भी आपको सेम तरीके का इंटरफेस मिलता है जैसे कि आपको टिकटॉक में मिलता था। स्वाइप अप करके आप लोग वीडियोस वगैरह देख सकते हो, लाइक कमेंट शेयर ये वगैरह कर सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग कैटेगरी वाइज अपना वीडियोस भी चूज़ कर सकते हो, जो कि आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग वीडियोस वगैरह बना सकते हो जैसे कि टिकटॉक पे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरे को अजीब लगा, उसका कैमरा, मतलब मैंने कैमरा ऑन किया तो यहाँ पे जो एंगल है वो थोड़ा अजीब लगा। मैंने ठीक तरीके से पकड़ के रखा था, फिर भी थोड़ा अलग लगा। तो ये नेक्स्ट टाइम शायद ये लोग ठीक कर दें। बाकी सब टिकटॉक की तरह ही है, तो इस ऐप को भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऐप है जीली, जो कि सेम टू सेम टिकटॉक, एकदम सेम टू सेम जैसे कि टिकटॉक पे आपको मिलता था। एंड हाँ, बस यही सेम टू सेम टिकटॉक, यहाँ पे भी आप लोग वीडियोस वगैरह बना के शेयर वगैरह कर सकते हो। तो टिकटॉक का अल्टरनेटिव ये भी है। तो लिस्ट पे 4वें नंबर पे है डब स्मैश।
तो ये वाला जो ऐप है इसके बारे में आप लोगों ने पहले सुना होगा, क्योंकि ये एक टाइम पे बहुत ही पॉपुलर हुआ था जबकि जब टिकटॉक एंड म्यूजिकल ये सब वगैरह नहीं था तब। तो यहाँ पे आप लोग लिप सिंक कर सकते हो डायलॉग पे, एंड अभी गाना भी है तो गाने पे भी आप लोग कर सकते हो, मतलब सेम एज टिकटॉक, लेकिन ये पहले आया था तो सेम एज डब मैस बोल सकते हो। तो हाँ, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करो एंड यूज़ करो। तो लिस्ट पे तीसरे नंबर पे फनीमेट। तो यहाँ पे इस ऐप पे आप लोग वीडियोस वगैरह तो बना सकते हो, उसके साथ साथ आप लोग एडिट भी कर सकते हो फोटो से, और मस्त एडिट होता है, एकदम बहुत ही बढ़िया एडिट होता है। तो सेम आपको यहाँ पे लिट का ऑप्शन पे जाके आप लोग रीमेक वगैरह कर सकते हो, मतलब यहाँ पे टेम्पलेट ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड उसके अलावा आप लोग यहाँ पे ट्यूटोरियल्स देख के भी बना सकते हो वीडियो। तो काफ़ी अच्छा ऐप है, एंड आप लोग टिकटॉक के ऑल्टरनेटिव के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया ऐप है। तो लिस्ट पे दूसरे नंबर पे ट्रिलर। तो आई डोंट नो कि ये ऐप हमारे इंडिया पे इतना पॉपुलर क्यों नहीं है, लेकिन इतना स्मूथ ऐप मैंने नहीं देखा आज तक। ये टिकटॉक का एकदम फर्स्ट क्लास ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ चलता है, और यहाँ पे आप लोग वीडियोस वगैरह जैसे टिकटॉक पे बनाते हो वैसे बना सकते हो, एंड स्वाइप अप करके वीडियोस वगैरह देखना, फॉलो करना, ये सब सेम एज टिकटॉक लेकिन काफ़ी स्मूथ। तो इस ऐप को आपको ज़रूर से यूज़ करना चाहिए एक बार। और लिस्ट पे पहले नंबर पे इंस्टाग्राम रील, जो कि लास्ट में आया लेकिन अभी फर्स्ट रैंक पे है। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा जब आप इंस्टाग्राम को अपडेट करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये रील ऑप्शन आपके स्टोरी पे आ जाएगा, और यहाँ पे जाके आप लोग वीडियोस वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, ऑडियो जहाँ से चूज़ कर सकते हो, एंड बहुत सारा ऑडियो है यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऑडियो, एंड सर्च करके भी देख सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो फास्ट होगा या स्लो ये सब, उसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है इफेक्ट का ऑप्शन, एंड 15 सेकंड तक आपका वीडियो यहाँ पे बनेगा, मतलब हाइस्ट 15 सेकंड। तो ऐसे वीडियो आप लोग बना सकते हो इंस्टाग्राम रील से। तो ये है लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे। और हाँ, जो जो ऐप मैंने बोला इस वीडियो में, उस सारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों हाँ, यही था आज के वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में जो जो ऐप मैंने बोला है, क्या आप लोग इस ऐप में से कोई यूज़ करते हो, तो वो कमेंट सेक्शन में बताओ, और उसका एक्सपीरियंस भी बताओ कि आप लोग यूज़ करके आपको कैसा लग रहा है, और अगर नहीं यूज़ करते वो भी बताओ, और अगर मैंने कोई भी ऐप को मिस कर दिया इस लिस्ट पे इंक्लूड करने में, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि बाकी लोगों को पता चल पाए। तो यही था आज के वीडियो के लिए। तो ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड हाँ, न्यू वीडियो चल जाएगा। बाय, टाटा।